और यही तो हम लोग आज खाने वाले पिकनिक। तो देख सकते हैं पीछे का प्लेस जो है यानी रामनगरा बहुत ही। तो गाइस फाइनली मैं घर से निकल चुका हूँ, ठीक है, और दो बाल्टी मेरे हाथ में है और बाकी लकड़ी और कढ़ाई उड़ाई जितना भी था सब इसका साइकिल में बांध दिया हूँ। और ये भाई मुझे छोड़ के आएगा वहाँ पे बिटाई के पास, तो चलिए चलते हैं। और वहाँ से यानी विश्वनाथ ट्रैवल से गाड़ी निकल चुका है, वो लोग कुछ ही समय के बाद अगर पहुँच जाएगा तो हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे एकदम राम घाट के लिए। तो फर्स्ट टाइम आज जा रहा हूँ वहाँ, चलिए फिर चलते हैं। तो गाइस फाइनली आकर पहुंच चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलिए। मछली और इसी का आज हम लोग वहाँ पे बनाने वाले हैं और मीट भी है। तो गाइस हम लोग आगे पहुंच चुके हैं लेकिन सेंटर का नाम हम लोग का नहीं पता, पूछते हैं भैया लोगों का। तो गाइस पहुंच चुके हैं और यार पूरा कितना समय लगेगा पाबोले डेढ़ घंटा। तो गाइस यहां से 15 से 16 किलोमीटर के दूरी पर है यानी रामघाट। हम लोग का डेढ़ घंटा 2 घंटा शायद लगेगा जाने के लिए क्योंकि रास्ता यहाँ पे बहुत ही खराब है, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग का स्लो जाना पड़ेगा यानी 40-50 का स्पीड में जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं यानी कोमला एप्पल जो है, तो सब लोग यहाँ पे घुसा लेने के लिए तो पहले यहाँ पे ले लेते हैं, वह उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। बैक कैमरा तो बढ़िया रहा, एक और बैक कैमरा बढ़िया है। पानी तो साइल है, पानी कम एकदम कम आसे माने आमा आगर जाई गसे जे तो जे कोना आमा गाव ते मिली है कुछ आ हां आमा ए मिली जाए तो के आमा गाव ते ए बुली कह दिली थानी आरो कह दे तो गाइस फाइनली आकर हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी हम लोग प्लेस देख रहे हैं यानी कहाँ पे हम लोग का पिकनिक खाना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं नज़ारा। तो गाइस आने के टाइम में बहुत दिक्कत हुआ क्योंकि पूरा पहाड़ एरिया था जो कि रास्ता भी पूरा खराब था, तो बहुत लेट हो गया हम लोग आने के लिए। तो अभी यहाँ से देख रहे हैं यानी देखिए प्लेस मस्त है। तो गाइस यही जगह और यहीं पे हम लोग का अभी मिथलेश कहाँ पर खाएगा। हाँ यही प्लेस है, यही ना। तो गाइस व्यू देख सकते हैं आप लोग कितना, ये तो नज़ारा इतना मस्त है क्या बताऊँ, ये देख सकते हैं जलंग। तो गाइस झूलना तो लंग हाँ सर मजा आ बोले प्लेस टू। तो गाइस यहाँ पर उतरने के लिए हम लोग को आगे जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से उतरना पड़ेगा, वो तो उधर रास्ता है मतलब, तो वहाँ से हम लोग उतरना पड़ेगा। और इस टाइम ये मतलब ये साइड में हम लोग का पिकनिक का प्लेस रहेगा और यही पे हम लोग आज खाने वाले पिकनिक। तो देख सकते हैं पीछे का प्लेस जो है यानी रामनगरा बहुत ही खूबसूरत है, देख सकते नज़ारा। तो गाइस आप लोग एक बात बता दूं कि आप लोग अगर गाड़ी पार्किंग करना है तो इसके अंदर घुसाना पड़ेगा, देख सकते हैं। और ये है मेन गेट, ठीक है, तो यहाँ से घुस के जाना पड़ेगा नीचे तरफ। और अगर उस साइड में आप लोग जाएंगे तो ये दलंग देख रहे हैं, ये दलंग होकर आप लोग जाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यानी नीचे तरफ, ठीक है। तो मिथलेश भाई जो है वो आगे आगे जा रहा और बाकी सब लोग चल गया। चलिए तो पहले आगे चलते हैं देखते हैं। और हम लोग गाड़ी देख सकते हैं, दो गाड़ी यहाँ पर पार्किंग यानी कर दिया है और यहाँ पर है रेस्टोरेंट शायद, मुझे भी नहीं पता क्योंकि घुसना नहीं है, पहले नदी की तरफ चलते हैं।
तो गाइस अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं यानी नदी की तरफ, तो देखते हैं नदी में क्या क्या है। शायद मछली उछली तो नहीं है, लेकिन एक दलंग बांस का दिखाई दे रहा है, यानी बम्बो का दलंग। असंभव प्रभु असंभव। तो गाइस ये है, देख सकते हैं बम्बो का दलंग यानी बांस का। तो सबसे पहले इधर जाते हैं, यहाँ पे रेडी हो रहा है यानी खाना का तैयारी हो रहा है। तो गाइस सबसे पहले तो पकौड़ा भी रेडी हो रहा है यानी बोले अंकुर, देख सकते हैं। और बनाने वाला हमारा अंकुर भैया, देखिए यानी कारीगर। और इधर एक चूल्हा जल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। हे प्रभु क्या कहो, कैसे लगे सर? मजा चिकन पकौड़ा, चिकन पकौड़ा। कितना मजा है प्लेस देख लीजिए। और ये पूरा पहाड़ एरिया, ठीक है। और यानी ये प्लेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि रास्ता उतना ठीक नहीं है। और यानी गाड़ी से या बाइक से आने के लिए बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि जार्किंग बहुत ज़्यादा है। और वो साइड में शायद घर बना है छोटा छोटा, शायद उस वो साइड में भी आप पिकनिक खा सकते हैं, और वो भी प्लेस आपको बढ़िया रहेगा। लेकिन दलंग पार होकर जाकर वो ऊपर से उतर के आना पड़ेगा यहाँ पर, यानी आने के लिए। মাইনাস ক্লাছ তো বাদে দিয়ক, বিয়োগটো নাই মানে মিনুতা কেনে লাগিছে, কেছে লগ রা খানে মে সচ মে মনোরঞ্জন বহুত মিস কৰিছি মাছ আছে মনোরঞ্জন और उसके साथ ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? पकोड़ा, पकोड़ा। और ये कोनी अंडा, अंडा। अंगूठा क्या बन रहा है? हैं क्या बन रहा है? पकोड़ा, पकोड़ा। और बन रहा है पकोड़ा, बस पकोड़ा। शरीर दा क्या हो रहा है? प्याज, प्याज क्या सुना क्या सुना।
यहाँ से फोटो शूट करने वाला हूँ, वो भी DSLR निकन से, ठीक है? तो फोटो कैसा होगा आप लोग दिखाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग देखते रहिए, मैं फोटो शूट करता हूँ यहाँ पे। বেয়া লাগিছে নাই মনটো বাৰু হে দিন লাগিছে নাই তো গাইজ খানা হৈ চুকা ৰেডি আৰু আবি অংকুৰ ভাইয়া যে यानी डिश में निकाल रहे खाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस खाना हो चुका है रेडी। तो गाइस यही था वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा और मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अंगूठा कुछ बोलेंगे क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, बढ़िया चलते हुआ, मतलब अच्छा लगा। तो आप चलते घर की तरफ है कि नहीं? चलते गाइस, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।